अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो वो लोगों के पास से अपने हैदराबाद के जो पहली बार बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और जो परेशान रहते कि अंदर आने के बाद क्या करना, तो मैं लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ अंदर क्या रहता। अब ये सामने जो गेट दिख रहा, आप वो गेट के अंदर से आते, वहाँ गेट के पास एक पुलिस वाला रहता, उन्होंने आपका टिकट पासपोर्ट चेक करता। वहाँ से अंदर आने के बाद ऐसे काउंटर्स थे पूरे यहाँ पे, तो वो काउंटर्स में जो आपके एयरलाइंस रहे वो एयरलाइंस के काउंटर में जाना। अब जैसे ये ओमान एयर का है, उसके पीछे वहाँ पे एमिरेट्स था, इधर सऊदीया है, तो कौन से एयरलाइंस है वो पूछ लेना यहाँ पे किसी से भी। तो उसके बाद पूछ ले के आप वो सेम काउंटर में चले आना। वज़न आपके टिकट पे मेंशन करा हुआ रहता कितना वज़न लेके जा सकते हैं, तो वो हिसाब से बराबर ले जाना। ज़्यादा लेके गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, सामान निकालो, ये करो वो करो। तो वो होने के बाद जैसे मेरे पास ये है, तो ऐसा एक लगेज का टैग मिल जाता और ये बोर्डिंग पास बोलते हैं इसको, बोर्डिंग पास मिल जाता। बोर्डिंग पास ले लेके क्या करना, वो इमिग्रेशन फॉर्म में जो बताया वो इमिग्रेशन फॉर्म भर देना। और परेशान रहते कि इमिग्रेशन वाले फॉर्म में क्या क्या भरना रहता, ज़्यादा कुछ वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, खाली इसमें इधर नाम लिखना रहता, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बोर्डिंग, फ्लाइट नंबर, एड्रेस अपना इंडिया का, टेलीफोन नंबर, ECR, पर्पज़ ऑफ विज़िट, सिग्नेचर, यहाँ पे इमिग्रेशन वाला स्टैम्प मार देता। अगर आपको नहीं मालूम है ये इमिग्रेशन फॉर्म पे क्या क्या भरना रहता, तो किसको भी बोले तो कोई भी भर के दे देते, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती, बहुत आसान रहता, कोई भी भर के दे सकते ये। और मैं बता नहीं सकता क्या भरा, इसलिए ब्लर कर दिया, मगर जो भी मैं पहले बताया वो पूरा भरने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, अपने पासपोर्ट आम बोर्डिंग पास आम भूलना नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। ये इमिग्रेशन काउंटर्स है, यहाँ पे जाके आप लाइन में वो फॉर्म दिए तो उन्हें फॉर्म पे स्टैम्प मारता, पासपोर्ट में स्टैम्प मारता, हो गया, बस इतना ही चाहिए। एक बार यहाँ पे अगर इमिग्रेशन का स्टैम्प हो गया तो फिर वापस पलट के नहीं जा सकते बाहर, मतलब आप इंडिया के बाहर चले गए कैसा, पर आगे का भी बताता हूँ। फिर अब मैं इमिग्रेशन काउंटर्स के पास जा रहा हूँ, यहाँ वीडियो नहीं ले सकते, तो अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद बताता हूँ। देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, वहाँ से अंदर आए, यहाँ पूरे काउंटर्स हैं जहाँ पे सामान डाल देना रहता, फॉर्म भरने के बाद यहाँ चले जाना रहता। ओके, अभी इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन के बाद एक सिक्योरिटी चेक होता, वो सिक्योरिटी चेक ये है, यहाँ पे ऐसा अपने को पूरे लोहे के चीज़ें जितने भी है वो निकाल देना रहता अपने पॉकेट्स में से यहाँ से, और उसके बाद वो एक स्टैंप मारते ऐसा सिक्योरिटी चेक, ब्लू कलर का स्टैंप जो है। हाँ, तो एक वैसा स्टैंप उस पर मारते, और अपना बैगेज जो भी है बैग पे भी एक टैग लगाते हम लोग, इसके ऊपर भी स्टैंप होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता। तो खैर, अपन वो सिक्योरिटी चेक होने के बाद यहाँ अंदर आ जाते, ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया है, तो इसमें से निकलते फिर अपना एयरपोर्ट। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अपने बोर्डिंग गेट्स ढूंढना रहता। मैं बताता हूँ मेरा बोर्डिंग गेट कहाँ पे है, ये जो टिकट है इस पर लिखा हुआ रहता, मैं इसमें गेट लिखा हुआ है, गेट 34B, उन लोग ऐसा राउंड ऑफ करके देते अपने को, 34B है और 36A मेरा सीट नंबर है, तो यहाँ से देख के 34B
34B किधर है, उधर ढूंढ लेके जाना आ रहा था अपने को। डोसा फैक्ट्री, लेट्स ट्राई द डोसास। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग सफ़र करने वाले परेशान रहते हैं कि अंदर खाने पीने कुछ मिलता है नहीं मिलता, मगर अपने हैदराबाद एयरपोर्ट में क्या है, एक ज़बरदस्त अच्छी दुकान है ये, जहाँ पे आपको इडली डोसा वगैरह मिल जाता है। थोड़ा सा बाहर से थोड़ा महंगा रहता, मगर लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे खा ले सकते अपन आराम से। ये कॉफ़ी और डोसा मिला के 300 रुपये समथिंग होता। अपन अंदर आते जैसा सीधा प्लेन में नहीं बैठ जा सकते, अपने बोर्डिंग के पास गए तो ऐसा अनाउंसमेंट होता प्लेन निकलने से तकरीबन आधा घंटा पहले, ऐसा स्टार्ट होती प्लेन में बैठाना, बोर्डिंग बोलते हैं उसको, तो ऐसा अनाउंसमेंट होने के बाद अपने को अंदर जाके बैठने का रहता। 777-300ER हैदराबाद टू दुबई। ओमान एयर। ओके, अपना बोर्डिंग गेट ढूंढ लेके यहाँ पे आ जाना रहता, फिर ना बोर्डिंग पास अपना आधा फाड़ के अपने हाथ के दे देते वापस। अब कुछ भी नहीं जाना, प्लेन में बैठ जाना, खलास हो गया इतना ही। एक बार मैं फिर से शुरू से बता रहा हूँ, ये अपना एयरपोर्ट को अपन आ गए, यहाँ पे अपने को सब जने छोड़ देते हैं, तो अपने को यहाँ से अपने को अंदर जाने का रहता है। ये गेट के पास वो पुलिस वाला रहता जिसके पास अपने को पासपोर्ट और अपना टिकट चेक कराने का रहता। उसके बाद चेक कराने के बाद अपन ऐसा अंदर आ जाते, अंदर आने के बाद जो है सो अपने को यहाँ पे अपने काउंटर के पास जाना रहता, अपन कौन से प्लेन से जा रहे वो एयरलाइन से काउंटर पे जाना रहता। काउंटर पे आने के बाद अपने को सामान अंदर चेक कराना रहता, वज़न चेक करा के सामान डाल देना रहता। सामान डाल दिया तो ऐसा नो टैग देते, छोटा वाला दिख रहा लेफ्ट में वैसा वाला एक टैग देते, वो अपने सामान का रिसीट है। और ये अपना बोर्डिंग पास हो गया, इस पर अपन कौन सा बोर्डिंग गेट है, कौन सी सीट है, सब इन्फॉर्मेशन रहती। उसके बाद अपने को इमिग्रेशन का फॉर्म फिल करना रहता, मैं बताया था नहीं, बस करना होता एग्जैक्टली। उसके बाद अपने को इमिग्रेशन के काउंटर पे जाने का रहता, जाके काउंटर पे अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प मारते रहना। वो होने के बाद सिक्योरिटी चेक होता, जहाँ पे अपने बैग्स एक्सरे में स्कैन होते और अपने को पूरा चेक करते और ऐसा एक स्टैम्प मारते। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर स्टैम्प नहीं मारे तो फिर पूरा वापस आना रहता, और ये हैंड लगेज के ऊपर भी ऐसी मारते, तो ये कैसा भी देख के अपने को स्टैम्प याद से कराना रहता। सामान एक्सरे चेक हुआ, जब अपने को चेक करने के बाद ऐसे स्टैम्प हम मार के अपना गेट जैसा 34B है वो गेट के पास गए, तो उन लोग अपना जो बोर्डिंग पास रहता उसको फाड़ के अपने को अंदर भेज देते। उसके बाद अपने को सीधा प्लेन में जाने का रहता, प्लेन में जाके अपनी सीट का नंबर जो भी रहता, नहीं भी मालूम है तो अपने को बता देते उन लोग अपनी सीट कौन सी है, जाके अपन वहाँ पर बैठ गए। खलास, सफ़र की दुआ पढ़ लेना, बिस्मिल्लाह बोल के चले आना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या फिर आप लोगों को ये वीडियो काम का दिखा, तो इसको जितना हो सका उतना दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, शेयर करिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां बोले वहां लिंक शेयर करिए वीडियो की, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं आगे और भी दूसरे सारे वीडियोज़ डालने वाला हूं, जैसे कि प्लेन में क्या क्या सामान लेके जाने देते, क्या लेके जाने नहीं देते, कितना वज़न लेके जाना सही रहता, कितनी जल्दी जाना, कितनी देर से जाना, और पैकिंग कैसा करना, ये सब चीज़ों के बारे में मैं इंशाल्लाह दूसरे वीडियोस में बताता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो लाइक करिए, आप लोगों को अगर पसंद आया तो कमेंट में मेरे को बताइए। अस्सलाम वालेकुम।